हेलो फ्रेंड्स, मैं आज चने की दाल और पालक बनाने जा रही हूँ। पालक बहुत ज़्यादा कटे हुए हैं और हैं भी बहुत, तो मैं हाफ का चने दाल बनाऊंगी, चने दाल पालक, वो भी विदाउट प्याज और लहसुन के। और ये है मसाला, थोड़ा सा मसाला डालूंगी। और ये है टोमेटोस जो तैयार हैं कटे हुए। अब बस ये तड़का डालना है। डाल दिया मैंने तड़का, आप देख रहे होंगे, आप देखिए बिना प्याज और लहसुन के हैं। हींग में बाद में डालूंगी। और ये है दो बड़े टमाटर हैं जो दाल पालक बिना प्याज और लहसुन के बना रहे हैं, अच्छी लगेंगे आपको। इसके बाद यह हो गए। अब मैं इसे नमक डालूंगी, इसमें सॉल्ट डालूंगी थोड़ा सा, इसे सॉल्ट डालूंगी। पानी में डले हुए ये चने के दाल रखे हैं, सुबह मॉर्निंग में आप रख दीजिए और एक घंटे बाद, आप दो घंटे में ये फूल जाता है। विंटर है तो थोड़ा गर्म पानी में रख दीजिए, जल्दी बन जाएगा। शायद लाइट नहीं आ रही है उसको। ये है चने की दाल रखती हूँ। और अब मैं सॉल्ट डालूंगी, डाल दिया है इसमें, ये सॉल्ट डाला है, 1.5 स्पून डाला है, टी स्पून से आधा स्पून इसमें है, ये है 1.5 डाला है, ठीक है। बिना प्याज लहसुन के भी खाना अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। आप खुद ट्राई करके देखें, आपने बनाया भी होगा। फेस्टिवल्स में लोग हिंदू लोग हैं तो बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं, और भी लोग बनाते होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हम ही बनाते हैं, तो ज़रूरी नहीं हम ही बनाते हैं, और भी लोग बनाते होंगे, बहुत अच्छा आराम से बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्याज लहसुन डाल के कुछ बनेगा। ये देखिए थोड़ा कट गया है, मैं इसको सिम कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी मसाला, मैं डालूँगी इसमें मसाला। सबसे पहले डालूँगी मैं हींग, आप देख रहे होंगे हींग इसमें चने की दाल है। और ये हींग डाल दी मैंने, ठीक है। अब इसमें डालूँगी हाफ जीरा, अभी ही डाल दूंगी मैं, ताकि पालक को काट के आराम से डाल सके एकदम। मैं कोई भी खाना पहले से काट के नहीं बनाती, उसी वक्त कट किया, उसी वक्त बनाया, तो हो सकता है मैं आपको रिकॉर्डिंग में सब कुछ नहीं मतलब शो कर पाऊँ, क्योंकि नहीं कर पाऊँगी, अकेले हूँ, नहीं कर पाऊँगी मैं। स्टैंड नहीं है, स्टैंड है भी तो मैं इसको नहीं लगा पाऊँगी। इससे बेटर है कि मैं आपको भी ऐसे बता दूँ कि ये है, ये आपने हरी मिर्च देखी, टमाटर देखी, मैंने पहले डाल दिए हैं दो ही में, इसलिए हरी मैंने तेज होगी इसलिए इतना ही लिया है मैंने। और ये हो गई आपकी लाल मिर्ची 2 चम्मच, ये छोटा चम्मच है, आप देख रहे होंगे छोटा सा है। इसे डालो, अब 1 स्पून मैंने हल्दी डाली, 1 स्पून भर के और डालूंगी, और ये है हल्का सा, आप देख रहे होंगे कितना थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया, जो मिक्स गरम मसाला आता है ना, खड़े गरम मसाले, उसे आप मिक्सर में पीस के जो रख लेते हैं घर में, वही है ये, आप भी रखे होंगे, मैंने भी रखा है इसे। ये मैं शूट कर रही हूँ किसी तरह से, ये थोड़ा सा डाल दिया, और कुछ नहीं डालूंगी, हो गया सिंपल, बस थोड़ा सा गरम मसाला ही डाला है। और ये मैं मिक्स कर रही हूँ, आप देख लीजिए। अब मैं इसमें दाल डाल दूंगी, थोड़ा सा वॉश करूंगी एक बार, और मैं इसमें दाल डालूंगी। ये है ये दाल, आप देख रहे होंगे चने की दाल है। फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट करें, मैं इसको मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने चने की दाल डाल दी है, आप देख रहे होंगे ये डाल दिया चने की दाल। अब इसको थोड़ा सा बॉयल होने दीजिए, और मैं इधर पालक काट के फटाफट इसमें डालूंगी हाफ, ये पालक बहुत ज़्यादा है, मैं हाफ का या तो शाही पनीर बनाऊंगी, और नहीं तो मैं पालक पनीर बनाऊंगी, वो भी देखती हूँ मैं शेयर कर पाऊँ तो करूँगी ज़रूर,
वो भी बिना प्याज लहसुन के, पालक पनीर भी बनाऊंगी बिना प्याज लहसुन के। हो सकता है मैं शो कर पाऊँ तो मैं ज़रूर करूँगी आपसे शेयर। प्लीज़ जब आप इसको बनाएं और खाएं तो मुझे बताएं ज़रूर कि कैसा बना। अगर आपको सही नहीं लगा तो मुझे ये भी शेयर करें। एंड आई एम जैस्मिन, वेलकम टू जैस्मिन क्रिएशंस। आप सोच रहे होंगे मैंने इतनी देर बाद आपको वेलकम क्यों किया। मैं चाहती थी आप इसे देखें, आपको इंटरेस्ट होगा तो आप इसे ज़रूर देखें, बनाएं भी। फास्ट है, सिंपल है, कम ऑयल में आराम से बन जाएगा। अब मैं इसका पालक पनीर अगर शेयर कर पाऊँगी तो फ्रेंड्स मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इसको। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं भी पालक थोड़े से बारीक हल्का सा कट करूँगी और उसमें डालूँगी दाल पालक में। और ये बॉयल आ रहा है इसमें, ठीक है। मैं भी पालक डाल के आपको बताती हूँ। इसमें मैंने डाला और इसमें जो भी 4-5 सीटी चने की दाल में लगती है, सिंपल लगाना है। और इसको राइस के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, आपकी जैसी मर्जी हो। आप इसे ट्राई ज़रूर करें, सिंपल है, ऑयल ज़्यादा नहीं है, मसाला ज़्यादा नहीं है, बिना प्याज लहसुन के बनाया है। दोनों में बनाऊंगी ऐसे ही, बहुत लोग बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं, बहुत लोग बनाते हैं इसको। हम तो ज़्यादातर फेस्टिव में इस तरह से बनाते हैं, लेकिन मैं अक्सर अभी भी बना लेती हूँ। वो तो ज़रूरी नहीं है कि प्याज होगा तभी कुछ बनेगा। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ी देर बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ओके बाय, वेलकम टू जैस्मिन क्रिएशंस। आप मेरी वीडियो को देखकर इसे शेयर करें या ना करें, कम से कम मुझसे जरूर शेयर करें अपने कमेंट्स, और लाइक ज़रूर करें। आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर करें, आपको नहीं लगता तो कमेंट ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स, मुझे भी आपके लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिलती है और इंस्पिरेशन भी मिलती है कि मैं शायद कोई गलती तो नहीं कर रही, या ये वीडियो इस तरीके से नहीं या दूसरे तरीके से बनानी चाहिए, क्या तरीका हो सकता है। तो ये बॉयल हो रहा है, मैं थोड़ी देर बाद आपसे फिर से मिलती हूँ। थोड़ा टाइम के बाद, कुछ 5 मिनट्स में मैं दिखाऊंगी पालक डालने के बाद इसको मैंने कैसे मिक्स किया, और फिर पालक पनीर के लिए हम फिर मिलेंगे आपसे। लव यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर करें मेरे वीडियोस, कमेंट भी ज़रूर शेयर करें। लव यू ऑल।